हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल गुप्ता और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी लाइफ हैक्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक भाप लेने वाली मशीन बताऊंगा जो कि भाई मार्केट में इस समय मिल भी नहीं रहा है, और भाई मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है। और फ्रेंड्स यार, इसकी वजह से आपको ये महामारी से भाई लड़ने में मदद मिल जाएगी, इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं इसे एक लोग को गिव अवे कर देने वाला हूँ, तो भाई ये भी उन्हीं 5 प्रोडक्ट में शामिल है जिन्हें मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो अब दोस्तों, हमारे पास 4 प्रोडक्ट हो चुके हैं और एक और प्रोडक्ट का आप लोग इंतजार कीजिएगा, उसको बनाने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर भाई मैं गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टीम वेपराइजर यानी भाप लेने वाली मशीन को भाई बनाने के लिए हम लोग पीवीसी पाइप का यूज करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपके पास पीवीसी पाइप नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स कई जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप लोग भाई किसी कांच का जार ले लेना या फिर कोई मोटा प्लास्टिक का डब्बा ले लेना, उसमें बना लेना। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, एक बड़े से पीवीसी पाइप को ले लेंगे और उसको भाई गैस पे गर्म करके उसका सीट बना लेंगे। तो जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स देख रहे हो, मैंने ये पीवीसी पाइप को गैस पे गर्म करके ही सीट बना लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अपना गोल पाइप ले लेंगे जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया था, क्योंकि इसी में भाई हम लोग अपना पानी को खौलाने वाले हैं और गर्मा गर्म भाप का आनंद लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने भाई इस बड़े वाले पीवीसी के पीस पर हमने गोल एक निशान बना लिया है। लेकिन फ्रेंड्स जो पहला हमने निशान बनाया है उसको हमने पाइप के अंदर से बनाया है, लेकिन फ्रेंड्स जो हम लोग दूसरा वाला निशान बनाएंगे गोल, वो हम लोग पाइप के बाहर से बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक हमारा तो इस पाइप के अंदर घुस जाएगा लेकिन दूसरा जो होगा वो हमारा इसका ढक्कन बनाने के काम में आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, सब कुछ मैंने क्लियर किया है, आप सबको एकदम अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जहां पर निशान लगाया है गोल, उसको हम लोग काट के निकाल लेंगे, क्योंकि भाई हमें एक ढक्कन और एक उसका बेस बनाना है तो वह काटना तो पड़ेगा, ऐसे ही नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले वाले को काटा है सेम उसी तरीके से भाई दूसरे वाले को काट लोगे। और भाई मैं काटना क्या सिखा रहा हूँ यार, ये सब तो भाई आप सभी लोग जानते ही होंगे काटना। तो आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस इस तरीके से काट लिया है और एक है छोटा एक है बड़ा। तो फ्रेंड्स जो छोटा वाला है उसको हम लोग इस पाइप के बीच में घुसा के एकदम अंदर ठूस ठास के अच्छे से भाई नीचे एकदम प्लेन लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अपना सुपर ग्लू लाएंगे और उसे इसको अच्छे से चिपका देंगे, और फ्रेंड्स दो से तीन बार हम लोग इस तरीके से चिपकाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमने बड़ा वाला पीस इस तरीके से गोल काटा था उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और इसको हम लोग ढक्कन बनाने वाले हैं, क्योंकि भाई ढक्कन जरूरी है बनाना। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग एक पीवीसी पाइप का स्ट्रिप काट लेंगे पतला, करीब 1.5 सेंटीमीटर का मैंने इसका चौड़ाई रखा है और लंबाई तो भाई जितना गोल आ जाए। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इसको इस तरीके से लगाकर चिपका देंगे किनारे किनारे से, जिससे कि ये हमारा ढक्कन बन जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ढक्कन तैयार हो गया है, और ढक्कन तैयार होने के साथ ही साथ हमारा ये जो डब्बा है वो तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत हमारा डब्बा बन गया है। और फ्रेंड्स ऐसा ही डब्बा बना के अपनी मम्मी को यार दे सकते हो, मम्मी आपकी इसमें चीनी उनी रख सकती है और भाई मम्मी बोलेगी आपसे, वाह बेटा क्या चीज बनाया है, दिल खुश हो गया, मतलब आप भी खुश मम्मी भी खुश, उसके बाद लात घुसा भी खुशी। फ्रेंड्स हम लोग भाई चीनी रखने के लिए नहीं बना रहे हैं, हम लोग भाई इसमें भाप लेने वाली मशीन बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग टॉपिक पे आते हैं, और भाई इसके बाद हम लोग ले लेंगे दो ब्लेड ले लेंगे, और इन दोनों ब्लेड को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर और एक थोड़ी दूर पे लगाएंगे, दोनों को सटाएंगे नहीं। और यही फ्रेंड्स हमारा जो पानी है उसको गर्म करेगा, और वो गर्म करने के बाद भाई पानी इतना खोलने लगेगा कि उसके अंदर से भाप निकलने लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके भाई पास कॉपर का पाइप हो तो उसका भाई प्लेट बना के आप लोग यूज करो, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग ले लेंगे एक तार, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा मोटा तार लेंगे, थोड़ा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त तार लेंगे, मतलब पतला तार मत ले लीजिएगा वो जल जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग मोटा तार ले लेंगे और इन तार को हम लोग इस ब्लेड में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ब्लेड को थोड़ी दूर पर लगाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये दोनों ब्लेड आपस में टच हो गया तो आपका भाई पूरे घर का बिजली उड़ जाएगा, और उसके बाद जो आपके पापा जो हाल आपका करेंगे वो भाई भगवान ही जाने। लेकिन फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम भाई एकदम सेफ्टी के साथ इसे बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने दो टे पीवीसी का पाइप का टुकड़ा इस तरीके से ले लिया है और इन दोनों को फ्रेंड्स मैं कुछ दूरी पर चिपका दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर से हम लोग दो टे पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लेंगे, लेकिन ये और भी ज्यादा छोटा और भी ज्यादा पतला ले लेंगे, और इन दोनों को फ्रेंड्स हम लोग इस जो पाइप का टुकड़ा मैंने पहले चिपकाया था उसको ऊपर हम लोग चिपका देंगे। लेकिन फ्रेंड्स चिपकाएंगे हम लोग सीधा चिपकाएंगे जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो चलिए चिपका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चिपका लिया है दोनों पीवीसी पाइप के टुकड़ा को, और आप लोग देख सकते हो मैंने एकदम सीधा चिपकाया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग फिर से दो टे पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लेंगे। भाई कितना ज्यादा मैं टुकड़ा ले रहा हूँ आप लोगों को भाई समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को देखते रहिए, एकदम आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों ले रहा हूँ।
तो इसको फ्रेंड्स हम लोग ये जो मैंने पतला वाला पीवीसी पाइप का टुकड़ा चिपकाया था उसके ऊपर चिपका देंगे, जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने चिपका दिया है और भाई ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग भी देख सकते हो मैंने किस तरीके से चिपकाया है। और अब भाई इसका रीजन बताता हूं। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारा ब्लेड होता है उसके बीच में भाई छेद होता है, तो उसके बीच में से फ्रेंड्स हम लोग यहां पे इसको लगा देंगे। तो भाई एकदम आइडिया अच्छा लगा ना फ्रेंड्स। अब ये हमारा ब्लेड आपस में कभी टच नहीं होगा, एक दूसरे से भाई बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इंसानों के बस में तो है ही नहीं दूरी बनाना, सब लोग एक दूसरे में चिपके रहते हैं, और जिसके कारण भाई मुझे ये बनाना पड़ रहा है। क्या नौबत आ गई यार, छोड़ो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने ब्लेड को यहाँ पर लगा दिया है। और अगर आपका ब्लेड खराब हो जाता है तो आप लोग ब्लेड को आसानी से निकाल के चेंज भी कर सकते हो, और ब्लेड तो भाई सबके घर में आसानी से मिलता रहता है। अब फ्रेंड्स हम लोग ढक्कन के ऊपर भाई दो ठे छेद कर दूंगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर ऐसा वैसा छेद नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक बड़ा और एक छोटा छेद करेंगे, जैसा हमने पहले एक बड़ा और एक छोटा पीवीसी पाइप का गोल काटा था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई हमने छेद कर लिया है, और एक बड़ा और एक छोटा छेद किया है। और ऐसा मैंने क्यों किया है अभी मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो छोटा वाला है उसमें से हम लोग तार को बाहर निकाल लेंगे, और जो ये बड़ा वाला है वहां से हम लोग भाप को बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, अब हमारा ये स्टीम वेपराइजर यानी भाप लेने वाली मशीन भाई बन चुकी है। मतलब आपको कुछ यहाँ अलग नहीं लग रहा है भाई, भाप लेने वाली मशीन टाइप नहीं लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसके लुक में और कुछ चेंज करते हैं, और इसको भाई एकदम भाप लेने वाली मशीन टाइप बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो छेद मैंने बनाया था जहां से भाप निकलने वाला है, वहां पर हम लोग एक छोटा सा ये बोतल ले लेंगे, और इस बोतल का फ्रेंड जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, बस हमें उतने का काम है, उसने को हम लोग काट के उसके ऊपर चिपका देंगे। तो थोड़ा फ्रेंड्स देखने में लगेगा कि हाँ भाप लेने वाला थोड़ा मशीन है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको काट के बोतल को काट के निकाल लिया है। अब इसको हम लोग यहाँ पर चिपकाएंगे, लेकिन 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 चिपकाने से पहले हमें इसके ढक्कन में छेद करना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से चिपका दोगे तो भाई भाप ही नहीं निकलेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने ढक्कन के ऊपर छेद कर दिया है। अब इसको हम लोग इस छेद के ऊपर मैंने दोनों छेद को मिला देंगे, और चिपकाने के लिए भाई सुपर ग्लू का मैं यूज कर रहा हूँ, इसी से हम इन दोनों को चिपका देंगे। तो चलिए इन दोनों को चिपका लेते हैं और बहुत ही अच्छे से चिपकाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये जो ढक्कन है वो अच्छे से चिपक गया है, सूख गया है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर वाला बोतल को भी कस लेते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स अब भाई देखने में लग रहा है ना यार कि ये भाप वाली मशीन है, क्योंकि फ्रेंड्स पहले यार एकदम सादा सादा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो भाई मैंने भाई कुछ दिमाग वमाग दौड़ाया, बोतल का काट के लगा दिया, अब भाई देखने में लग रहा है एकदम भाप वाली मशीन है, एकदम ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन फिलहाल दोस्तों काम चलाऊ लग रहा है, और लुक में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर जो इसका वायर है मैंने इसमें प्लग लगा दिया है सेफ्टी के लिए, क्योंकि भाई मैंने इसमें एकदम सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है हर एक चीज से। आप भी अपने हिसाब से और ज्यादा सेफ इसको बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसको चेक करते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा, तो चलिए इसमें हम लोग पानी डालते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग पानी से इसे पूरा भरेंगे नहीं, हम लोग इसमें जितना कम पानी रखेंगे उतना अच्छा है, उतना जल्दी ये खोलने लगेगा और उसमें से भाप निकलने लगेगा। तभी फ्रेंड्स मैंने थोड़ा ज्यादा पानी ले लिया है, कोई बात नहीं, चलिए इतना ही को हम लोग गर्म करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें पावर देते हैं, मतलब थॉर का पावर देंगे इसके अंदर, करेंट देंगे भाई। तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें जो पावर है वो 220 वोल्ट डायरेक्ट देंगे, मतलब एकदम ऑन कर दीजिए, बेझिझक कुछ होने वाला नहीं है, एकदम सेफ है, आपका घर का बिजली भड़म भड़ुम नहीं होगा। तो अभी फ्रेंड्स यार थोड़ी देर हुआ है और पानी इसके अंदर खौलने लगा है, और ऊपर से भाई थोड़ा थोड़ा भाप निकलना शुरू हो गया है, और थोड़ी ही देर में भाई इसमें से बहुत ज्यादा भाप निकलना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा इसके अंदर पानी खौलेगा दोस्तों उतना ही तेज पानी मतलब भाप निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो भाई भाप निकलना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स यार ये हमारी मशीन भाई अच्छे से काम कर रही है, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स यार मजाक वजाक हम लोग अब साइड में रखते हैं, तो प्लीज दोस्तों आप लोग इसे बना लीजिएगा, और भाई बहुत ही अच्छा काम करता है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अरे दोस्तों क्या यार, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, सभी जगह फैला दीजिए भाई, जिससे भाई सभी को पता चल जाए कि हम लोग घर पर भाप लेने वाली मशीन किस तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा ये स्टीम वेपराइजर, मतलब सीधा सीधा बोले तो भाई भाप लेने वाली मशीन। तो प्लीज दोस्तों आप लोग अपने घर में इसे बना के रख लीजिए, मैंने एकदम इजी तरीके से आपको बना के दिखाया है। और भाई इसका जो मैंने सामान लगाया है फ्रेंड्स वो आपके घर पे आसानी से मिल जाएगा, कहीं आपको दुकान वकान पर भाग के जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोग कहोगे कि भाई मेरे पास पीवीसी पाइप नहीं है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे किसी शीशे के जार में बना सकते हो, या फिर किसी मोटे प्लास्टिक के डब्बे में बना सकते हो, लेकिन इसे प्लीज दोस्तों बना के रखिएगा, ये बड़ा काम करता है। तो अभी दोस्तों मैं आपको इसके गिव अवे का भाई बता देता हूँ किस तरीके से पार्टिसिपेट आपको इसके गिव अवे में करना है। तो बस भाई गिव अवे का जो रूल है वो पहले जैसा ही है, बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, और उसके बाद दोस्तों कमेंट करना है आपको इसके में क्या अच्छा लगा। तो अब चलिए मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।